सरकार में रहे तो इस काम को हम लोगों ने किया, लागू किया। और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल लाइन में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है। और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर है। और चाहे केंद्र में हो या बिहार में, एनडीए की सरकार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डाले। तो हम लोगों का पहले भी कहते कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे। और हम लोग केवल इंतजार कर रहे थे भारत सरकार की जवाब का, जो कि स्पष्ट रूप से ये जवाब आप लोगों के समक्ष मिला है। इसमें यही सवाल पूछा गया था कि भाई क्या आरक्षण आप बढ़ाइएगा अनुसूची में और 9 में, स्पेसिफिकली जो है बिहार के शेड्यूल 9 में आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा। तो भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बताओ, ये सरासर भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है। और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है या स्टेट मैटर है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोगों को कैबिनेट द्वारा भेजे थे इन लोगों ने वापस ले लिया हो, क्योंकि उस समय तत्कालीन जो अभी भी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, उस समय जब ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था, उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है, कोई भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। जब हम लोगों ने किया था इस काम को तो बड़े ढिंढोरे पीटे जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। अब करेगा कौन? करने वाले भी तो वही है, जनता दल यूनाइटेड इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। ये पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है उसको ये लोग नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते, और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी